राम राम सबने, स्वागत है आपका रियल हरियाणा पर एक बार फिर। आप देख सकते हैं गांव पन्हियारी में आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल अगर बात करें तो यहां पर एक गद्दावर नेता इनेलो के बलराज सब्बरवाल जी पहुंचने वाले हैं और बस स्टैंड पर आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में पब्लिक यहां पर पहुंची है और इस प्रकार से उनका स्वागत आज किया जाने लग रहा है जैसे कि वो टिकट लेकर के आ गए हो। हालांकि अभी तक इनेलो ने टिकटें जारी नहीं की, लेकिन फिर भी स्वागत के लिए जनता के अंदर उत्साह आप देख पा रहे हैं। कितना भव्य स्वागत उनका किया जाने लग रहा है, वो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज के दिन पन्हियारी गांव में उनका बहुत ही तकड़ा जो है प्रोग्राम करण की गांव वाला ने सलाह कर रखी है, वह भी आपने दिखावांगे तस्वीरें किस प्रकार से लोगों ने तैयारी कर रखी है। और इतना उत्साह उनका कारण भी मैं आप लोगों ने जल्दी तक बता दूं कि बलराज सब्बरवाल जी पन्हियारी गाँव के दामाद हैं। उनकी मिसिज जो है वो पन्हियारी गाँव की बेटी है और पन्हियारी गांव ने अपनी बेटी के स्वागत में या अपने दामाद के स्वागत में एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भारी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं और पुरुष भी पीछे नहीं रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में सिर्फ पन्हियारी गांव के लोगों ने बलराज सब्बरवाल का साथ देने का काम किया है और हो सकता है आने वाले समय में अगर वो टिकट लेकर के आते हैं तो ये पन्हियारी गांव ही माहौल पलटने का जो है काम कर सकता है। भव्य प्रोग्राम आयोजित किया है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भारी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं और पुरुष भी पीछे नहीं रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में सिर्फ पन्हियारी गांव के लोगों ने बलराज सब्बरवाल का साथ देने का काम किया है और हो सकता है आने वाले समय में अगर वो टिकट लेकर के आते हैं तो ये पन्हियारी गांव ही माहौल पलटने का जो है काम कर सकता है। और उनका साथ निभा करके जिंदाबाद के नारे लगा करके सातवें आसमान पर पहुंचाने का काम करेगा। देखिए आगे बलराज सब्बरवाल ने पन्हियारी गांव के व्यक्तियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए इन तस्वीरों के माध्यम से। हमने जब पता लगा कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो पहले 25 तारीख को 25 अगस्त को नंद्रा गांव के कुछ युवा साथियों ने कहा कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा कि ना तो इलेक्शन की डेट आई है और ना ही इलेक्शन का कोई कैंडिडेट घोषित हुआ है, कहता ही कैंडिडेट कोई भी आए, हम एक बार आपको सम्मानित करके आपकी पार्टी का जो गठबंधन है इंदौर बसवाड़ा गठबंधन है इसको मजबूत करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक सम्मान समारोह बनाया नंदरा में जिसमें बहुत बड़ी अध्यक्षता में बहुत ज्यादा लोग पहुंचे, तो उनका भी पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से यहाँ की टीम भी थी पन्हियारी से, तो उन्होंने देखा तो पन्हियारियों ने कहा कि हम भी हमारे गाँव में हमारे गाँव की बेटी है सुनीता सब्बरवाल और बलराज सब्बरवाल हमारे गाँव के बेटे हुए हैं, हम भी यहाँ पे रिश्तेदारी के हिसाब से एक सम्मान समारोह करें और उसका परिणाम आप सबके सामने है। हजारों की संख्या में माताएं बहने और हमारे पिता दुल्हन पुत्र यहाँ पहुंचे हैं, उनका एक बार यहाँ पहुंचने पर फिर भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। लेकिन अब मैं बात करूं इलेक्शन की, इलेक्शन 5 तारीख को डिसाइड हो चुका है, 1 महीना 4 दिन बाकी है, 5 अक्टूबर को आपकी वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। ये इलेक्शन उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन 3 किसानों के ऊपर काले कानून लागू किए गए थे। आपके गांव से भी मैंने देखा था धरने के ऊपर यहाँ पे खेड़ी चौकता पे बाटोपट्टी पे ड्यूटियां रहती थी, लोग जाते थे टिकरी बॉर्डर पे गए, शाजापुर बॉर्डर पे गए और कुंडली बॉर्डर में गए, इधर सूर्यवाड़ा चौक पे भी जाते थे, साथ के परले गांव जो थे वो। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये जो किसान आंदोलन था उस वक्त एक दिन मैं टिकरी बॉर्डर में बैठा था, एक बूढ़ा आया मेरे पास, बोला बेटा मैंने एक बात बता दे और सच्ची बताना, मैं बताऊ कुछ बताऊ जी, ने बोला न्यू बता दो, हमें उधर बैठे हैं 13 महीने हो गया, हमने हमारा घर परिवार का मेरा नहीं, हमारा खेता मेरा नहीं, हमारा पशुआ मेरा नहीं, क्या हाल हो रहा है। ये किसान काले कानून उल्टे होंगे कोई होंगे, तो मैंने कहा ताऊ जी उल्टे हो सके लेकिन जब तक कोई भी नेता आकर आकर के आपके साथ खड़ा होकर अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। और उस वक्त हमारा मेरा बेटा चेतन सब्बरवाल आपका जो था आपके बीच में आया हुआ है, इसका जन्मदिन था,
इनका जन्मदिन हमने सूर्य वाले चौक पे मनाया था, किसान आपने मुझे बीच में, तब मैंने गुस्से में आके बात कही थी कि ये नेता हमारे बीच में आके राजनीति झाड़के चले जाते हैं, अरे सही मायने में आप किसान मजदूर के हितैषी हो और सही मायने में किसान के हमदर्द हो तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग हमारे बीच में तब आए जब आप अपने पद से इस्तीफा लेके आए और वो अखबार की सुर्खियों की हेडलाइन बनी कि भाई सूर्य वाले चौक से किसी किसान के बेटे ने एक आवाज उठाई है कि हम तब तक इजाजत हो यहाँ नहीं माइक देंगे नहीं बैठने देंगे जब तक आप लोग हमारे किसानों के मजदूरों के दलितों के हक में इस्तीफा लेके नहीं आओगे। तो जो रियलिटी चुनाव में पहले ऐसे किसान नेता निकले 4500 MLA एमपी में से जिन्होंने कहा कि 26 तारीख को या तो तीनों काले किसान किसानों के काले काम से वापिस हो जाएंगे, अगर ये वापिस नहीं हुए तो 27 जनवरी को मैं इस्तीफा देके किसानों के बीच में जाके बैठ जाऊंगा। ये माइक लगाए हुए साथी मेरे पास फिर आगे बोला जी आपने कहा था कि हम जो आदमी इस्तीफा देगा किसानों के हक में उसका साथ देंगे सम्मान करेंगे समर्थन करेंगे। अगर जी चुनाव ने कहा है कि 27 तारीख तक मैं इंतजार करूंगा 26 तक निश्चित को इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये नेता लोग होते हैं ना ये कहते कुछ हो रहे हैं करते कुछ हो रहे हैं तो क्या ये इस्तीफा देंगे। मैंने दिल ठोक के कहा था कि भाई साहब अगर दो रियलिटी चुनाव ने 27 तारीख को इस्तीफा दिया मैं दो रियलिटी चुनाव को बुला के सम्मानित करूंगा उसका समर्थन करूंगा और उसका उसके साथ में संघर्ष में साथी बढ़ूंगा। और 27 तारीख को जो रियलिटी चुनाव ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में हमने आपकी उपलाना की धरती पे एक बहुत बड़ा किसान मजदूर सम्मान समारोह बनाया जिसके अंदर आपके नाम से 4-5 गाड़ियां गई थी और पूरे उपलाना थे कम नहीं 10,000 के आसपास किसान और मजदूर वहां पे पहुंचे और जिसको देखकर तो रियल ने कहा था कि आज मैं किसानों की तरफ जो इस्तीफा दिया था ना आज मैं दोबारा MLA फिर बन गया और आप सब लोगों का मुझे धन्यवाद किया था और उसके दिन के बाद मैं जो रियल के साथ खड़ा हो गया। अब कई पूछे पार्टी भाई मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी तो देवलाल की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और उस पार्टी को चलाने वाले चौधरी देवलाल थे और आज उसी बात और जो रियलिटी चुनाव सच्चे किसान मजदूरों के सच्चे हितैषी के हाथ में है। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता एक बात कहता हूँ उकलाना हल्का से जिसको भी बसपा और इनेलो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टिकट देके भेजे मेरी हाथ जोड़ के अपील है उस साथी को अगर चुनाव समझ के उसको MLA बना के भेज दियो उसके बाद में जैसे तुम्हारा उकलाना उकलाना हल्के का MLA बसपा और इनेलो गठबंधन का बनेगा आपका मुख्यमंत्री के लिए वोट जाएगा ये MLA के वोट नहीं जाएगा उसी की वोट से आपका MLA की वोट से आपका मुख्यमंत्री चौधरी अभ्यर्थी चुनाव होगा और जैसे चौधरी अभ्यर्थी चुनाव मुख्यमंत्री होंगे तो जो मुख्य बातें जो चौधरी साहब ने डिक्लेयर की है वो मैं आपके बीच में जरूर साझा करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही है कि अगर इन लोग बसपा गठबंधन की सरकार आई ध्यान से सुन लो सारे ये नौजवान साथियों अगर इन लोग बसपा गठबंधन की सरकार आई हरियाणा में तो पहली कदम से जो चौधरी देवलाल जी ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करी थी हमारे जो दादा दादी बूढ़ा हो जाते हैं उनको 100 रुपए मिलते थे सम्मान बता था वो कि भाई उनको किसी से हाथ ना बुलाए पड़े वो आज बढ़ते बढ़ते 3,000 होगी और बीच में बहुत सी सरकारें आई उसको काटने की कोशिश की लेकिन कोई काट नहीं पाया और आपको बड़ी खुशी होगी यह बात जानकर कि देवलाल जी ने जो 100 रुपए पेंशन की थी वो आज 3,000 आपके हरियाणा में हो भी गई लेकिन दूसरे स्टेट में दूसरे राज्य में भी बुढ़ापा पेंशन लागू की गई। तो उसके बाद में उन्होंने ये कहा चौधरी रामप्रकाश चौटाला जी ने उनके माध्यम से चौधरी अभयसिंह चौटाला जी ने कि भाई जो 100 रुपए पेंशन गई थी वो 100 रुपए पेंशन 7500 रुपए करेंगे। अगर एक घर में एक बुढ़ा एक बूढ़ी है एक हमारे दादा दादी है बुजुर्ग है तो उनको 15,000 रुपए मिल जाएंगे उनको किसी बीमारी के लिए दवाई पानी जाने के लिए किसी के हाथ लड़ाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाओ कि अगर सरकार आई तो आपको 7500 रुपए बुढ़ा बूढ़ी को मिलेंगे। उसके बाद में हमारे
10 साल तो कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को। बेरोजगारों की बहुत बड़ी खोल खड़ी कर दी इन्होंने बीजेपी वालों ने, तो यहां से लोगों को करोड़पति बना बना के कोई 500 करोड़ के 11,000 करोड़ 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ ले लिए विदेश में भागे और बाद में पता लगता है कि किसान का थी तो चौधरी ने थी चौधरी ने कहा इन्होंने तो कुछ सीखा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर बसपा इनलो गठबंधन की सरकार आई तो हर बेरोजगारियों जो साथी पढ़ा लिखा है उसको यथा संभव उसकी योग्यता के अनुसार को नौकरी दी जाएगी और जो किसी कारण से नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो जिसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कम से कम आगे पूरी पढ़ाई दिला सकता है और पीएचडी करके डॉक्टर बन जाए और आपका देश का आपके गांव का आपका माँ बाप का नाम रोशन करेगा। उसके बाद उनका टारगेट है कि जो एक झूठा पुलिंदा बीजेपी ने कहा था कि हम आपको सरकार आने के बाद में फ्री सिलेंडर देंगे एक एक सिलेंडर फ्री देकर के आपकी सब्सिडी काट दी और आप लोगों से कई सिलेंडरों के पैसे फ्री में वापिस ले लिए। तो साथियों दो दिन जी ने कहा है कि अगर इन लोगों की सरकार आई तो जो गृहिणी इस महंगाई में आज 1200 आपको सिलेंडर लेना पड़ रहा है वो एक सिलेंडर 1 तारीख को सभी माता बहनों को फ्री में दिया जाएगा। पहले दिन की 1 तारीख के महीने आपके घर में एक सिलेंडर आ जाएगा और आपका अकाउंट जो मोदी ने खुलवाया था 0 बैलेंस से वो कई इतने अकाउंट खुल गए उनमें किसी के 100-200-500 रुपए पड़े थे ना वो कट भी गए होंगे उसी अकाउंट में 1100-1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में आपके 1 तारीख को आएंगे ताकि आपको नमक मिर्च के लिए भी किसी से पैसे ना मांगने पड़े। उसके बाद में बहुत बड़ी हमारे समस्या खड़ी होती है गरीबों की जो हमारे गरीब और बैकवर्ड साथी जिनका 50,000 प्लाट था 3 बच्चे थे उन्होंने 2 कमरे ऊपर भी बना लिए अब उनके बेटों की शादी भी होगी अब रहने वाले सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अगर ये सरकार आई तो आपको 600 गज के प्लाट काट करके और उसके ऊपर 100 गज पक्का मकान बना के दिया जाएगा ताकि आप लोग भी अच्छी जिंदगी की इसको उसके बाद में सभी को शिक्षा स्वास्थ्य बिजली और पानी का प्रबंध किया जाएगा। मुफ्त का मतलब ये नहीं है ये भाई कहने के लिए है सब आपको शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी फ्री दिया जाएगा। ये कई देशों में ऑलरेडी चल भी रहा है क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी आदमी बीमार हो जाता है कोई भी आदमी पढ़ने लायक होता है तो कोई भी आदमी अगर उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको सरकार संभाले। तो हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी फ्री दिया जाएगा और बिजली में सिद्धेश्वर उन्होंने कहा है मैं आपको सबूत देता हूँ शिवानी पुराण गांव में मेरे रिश्तेदार है वो यहाँ भी आए हुए हैं उनका बिजली का बिल फरवरी का बिजली का बिल 200-200 रुपए था ध्यान से सुनना मार्च में कितना आना चाहिए 400-500 हो जाएगा 3,60,000 और मई जून में जाकर के सब जो बिल आया वो 4,17,000 बिल आया किसका घर का बिल है वो औरत है वो विटो है विधवा है 2 माँ बेटा है घर में कूलर पंखा भी नहीं है पंखे पंखे जब सतवाए कोई एसी नहीं लग रहा 4,17,000 बिल उनका मीटर पार ले गए लाइन काट दिया अंधेरे में बैठे हैं अब वो डोरी जोड़े तो पुलिस वाले केस बना देंगे अगर तार ना लगा है या गर्मी मार देगी उनका कसूर क्या है पर पूछने वाला बिजली डिपार्टमेंट से हमने बात की है कि बहुत जल्दी उनका मीटर ठीक करा के लगाया जाए और उनका 0 बिल दिया जाए जो 4,17,000 बिल आ रहा है उसको 0 किया जाए और ये उसकी हाँ हुई उसकी है। तो मैं आपसे एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो ये बच्ची चुनाव सरकार आई तो कितने बड़े मीटर लग रहे बुरा जाए 500 रुपए से ज्यादा बिल किसी का नहीं आएगा सिर्फ 500 रुपए का बिल आएगा हर मीटर का उससे बात नहीं आएगा। एक आप लोगों को पता होगा उसका मैं भी हूं मैं गवर्नमेंट सर्विस का नौकरी करके रिटायरमेंट ले ली तो भी मुझे सरकार से पेंशन मिली। आज आपका बेटा बेटी को सर्विस में लग जाता है तो उसकी कोई पेंशन स्कीम नहीं है। हमारी सरकार ने एक घोषणा की है कि अगर बसपा इन लोगों की सरकार आई तो आप लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन स्कीम तो लागू की जाएगी और सबकी पेंशन बांटी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल में सर एग्जाम में आपके बच्चे आप घूमते फिरते हो किसी की फैमिली आईडी ठीक नहीं है किसी की प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं है ये पोर्टल व्यवस्था सारी बंद करके आप लोगों को
जो पहले तहसीलदार होता था उसके ऊपर ही आपकी व्यवस्था की जाएगी, और किसी को किसी भी तरह की कोई ऐसी तहसीलदार से सारी सुविधाएं उसको दी जाएगी। इसके बाद में ये ठेका पट्टा बंद करके सफाई नौकरियां दी जाएंगी, और हमारे बीच में जो सफाई कर्मचारी बैठे हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जो आशा वर्कर है, जो कच्चे कर्मचारी है, उन सबको पक्का किया जाएगा, और जो खाली स्थान पड़े हैं, जो खाली जगह पड़ी है, जो नौकरी वाली, उन सभी को खाली पोस्टों को भरा जाएगा। और उसके बाद में आपका मनरेगा जो है ना, मनरेगा वाले भी काफी मजदूर हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का अंग है, क्योंकि आज हर आदमी काम करता है, उनका जो ये थोड़े दिन का जो त्योहार है ना, इसको जो जाएगा पूरी साल दिया जाएगा, 365 दिन मनरेगा दिया जाएगा। उसके बाद में हरियाणा की एक नई राजधानी, आपकी हरियाणा की नई राजधानी नई कोर्ट होगी, जिसके अंदर आपके बच्चों को अलग से नौकरी मिलेगी, और उसके अंदर सारी सुविधाएं होंगी, और आपके बच्चे नौकरी पाएंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, एक बात कहना चाहता हूं, इलेक्शन आपके सिर पे है। चौधरी चौटाला ने सबूत करके दिखा दिया कि किसान कमेरे और दलित मजदूरों के मसीहा है, क्योंकि एक तो आदमी का मैं करूंगा क्या पता करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसने करके दिखाया कि किसानों के लिए उसने इस्तीफा दिया। किसी को पता इस्तीफा दिया था? अपना ही करोगे बात, पता इस्तीफा दिया था उसको, दोबारा आप लोगों ने फिर एमएलए बना दिया, आज भी आपके बीच दोबारा फिर आएंगे, वो उनकी पार्टी को जिताओ और उनका एमएलए बनाओगे तो गारंटी से उसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री चौधरी चौटाला बनेंगे, और उसके बाद में आप लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं कहता हूं कोई विपक्ष आदमी ले आओ मेरे सामने, उससे ये कौन से तुम्हारी आवाज कौन उठाता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेजेपी का हो, उसकी एक ही बात होती है कि सारे एमएलए बैठे रहते हैं, सिर्फ चौधरी अजय सिंह चौटाला विधानसभा में डालते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, लोगों कहते हैं बकवास राजी बंद करो, और हमारे किसानों की दलितों की मजदूरों की आवाज सुनो और उनके सारे काम करो। तो मैं पनिहारी गांव में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये मेरे रिश्तेदार है, मेरा अपना गांव का हूं मैं, बच्चों की ननिहाल है, और इस गांव से जो मुझे अटा प्यार मिला है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कई बार गांव में किसी के बैठ में जाना होता था, गली से निकलता था, ये जरूर एक कुंड रोके गए था बेटा, रुके एक बार आप हो रहा तीन इंस्पेक्टर करते, हाँ जी कोई गलती हो गई क्या? बोले गलती नहीं, मारा थोड़ा कहना बोला गाड़ी रोक ली थी, अन्य पूछा कौन सा काम कर रहा है पनियारी का, बोले जा, फिर मैंने पूछा क्या बात थी, बोले तू पनियारी का तेरी छूट जा। तो अगर एमएलए एमपी की धारा बन जाएगा ना, तो सारी पनियारी तो वैसे छूट होने वाली है। एक बात और बता दो आपको, अगर अंधेरी लाइट अंधेरी रात हो और बड़ा हारा लंबे खंबा लग रहा है, उस पर लाइट लगा दे, अरे कोई आप नीचे जाए बटन डाल दे, एकदम से चांदना होता है, सबसे पहले चांदना कहा होगा उस खंबे के आसपास होगा ना, मानते हो? तो ये चांदना खंबे के आसपास चल लो अगर समझते हो तो। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती की पार्टी इनेलो और बसपा गठबंधन आपके बेटे पर या आपकी बेटी पर विश्वास जताती है और उसको टिकट देती है, टिकट देके भेजती है, तो पूरी पनियारी गांव के साथ साथ पनियारी पूनिया खाप के पास 14 गांव ये सारे कट्ठे हुए इलेक्शन लड़ने समय पर आने वाला नहीं है, और उधर से 13 गांव बटू वाले जो बटू हल्के पुराने थे उन्होंने कह दिया भाई, और सरपंच साहब ने कह दिया बड़ा भाई अगर टिकट मिल गई तो हम तो सारे सारे कट्ठे हो गए जितावागे, और मैंने फिर एक बात कही टिकट तो मिलेगी, किसी ने मिले उसने जिता दियो, जिसने भी टिकट मिले था उन्हें जिता के भेज दियो, तू सोचे पर राज मिले पड़ गया तारीख गारंटी में जो मैं जो आदमी यहां से इन बसपा गठबंधन की टिकट ले गया है उसको एमएलए बना के भेज दियो, चेहरा बलराज का पावर और शक है, क्योंकि आपके कामों की गारंटी मेरी होगी। चौधरी बलराज जी आप मेहनत करो, अपनी सरकार आएगी और किसान मजदूरों के काम होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष भी कलाम खेसर जी भी है और रॉबर्ट बोल जी भी है, बदला संगपुरा जी भी है जो आपके एमएलए लड़के हैं, ये हमारी पूरी टीम है
मैं स्वागत करता हूँ बसपा के कैंडिडेट का रहेगा, दिन रात वोट करेंगे, उसको भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारे और भी साथी नॉमिनेट हो रहे हैं, हमारी बहन ललिता दाग है वो आएगी, उसको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। अगर वीरेंद्र चौथा है वो आएगा, उसको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। अगर कोई और भी साथी इलेक्शन लड़ना चाहता है, मोदी सरकार आए और जो निर्वाचन छोटा राज्य मिले उसका आशीर्वाद लेके आए, बलराज उसे पीछे खड़ा मिलेगा, उसको पीछे नहीं हटने देगा। जितना तन मन धन पूरी ताकत झोंक दूंगा, और अगर मुझ पर विश्वास जताया तो पार्टी की जोड़ी में सीट जीत के दे देंगे, जो लिया मैं छोटा राहू हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब पनियारी गांव में ज्यादा नाम लाऊ नहीं, क्योंकि इस गांव का प्यार इसलिए चौबीस साल से मिल रहे मुझे, इस गांव की बदौलत मैं ज्यादा ना कहूं ये बढ़ाई हो जाती है। मेरा परिवार मजदूरी करता था, सारे भाई हम नौकरी में नहीं थे। आपके गांव की बेटी ने जाके वहां पांव रखा, उसके बाद में उसे एक महीने के बाद में दो भाई हम कट्ठे नौकरी लागे। एक बार कह अगले मुझे बुजुर्ग भाई बालक का पांव जो ना उससे जुड़ाया था हुए, तो ये आपके गांव का ही मेरे ख्याल आशीर्वाद है जो वहां तक खुला खुला, और यही आशीर्वाद है जो विधानसभा तक पहुंचाएगा। तो ज्यादा मैं क्या कहूं, आपने इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया, और अगर दोनों पार्टियां गठबंधन अगर मुझ पर विश्वास जताता है तो एक बार मैंने विश्वास दिखा दो आप कितने लोग हैं, तो सारे वोट दोगे आज खड़े करो, एक बार नीचे कर लो, मैंने ये पे रुकना होनी। अब न्यू बता दो सारी सबकी रिश्तेदारी उड़ाना लगा है, अपनी अपनी रिश्तेदारी में जाके कौन कौन आ रही हो माना सारे आज खड़े करो, फिर तो हमें राज कहेंगे। चौधरी है वैसे चुनाव पक्के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मैंने पूरा विश्वास हो गया। इन्हीं बातों के बाद बातें बहुत ज्यादा करनी थी, लेकिन मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, अगर चौधरी वैसे चुनाव मुख्यमंत्री बने और गठबंधन का एमएलए आपके उपलाना से बना तो आप लोगों के काम की गारंटी मेरी है। कोई भी काम होगा मैं बीच में आगे खड़ा होऊंगा, नहीं तो आपके गांव की बेटी है इसने पकड़ ली उड़ाई पास या जाने 18 काम जाने, लेकिन आज तक बेटी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया हुआ, तो ये भी आपके विश्वास से खरा उतरेगी। और एक पुरानी कहावत है कि भाई छोड़िए घर में तो सूरत की जोड़ है, तो मैंने कहने की जरूरत नहीं, किसी ने यू बताने की जरूरत नहीं, मेरा यो नाम है ये बताने की जरूरत है सिर्फ कि मैं उगलाना हल्का का हूं और बनियाड़ी का हूं बस। धन्यवाद, जय हिंद, जय बनियाड़ी।